हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। लेट्स स्टार्ट इट। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बायोरेट टेस्ट। बायोरेट टेस्ट आपने पढ़ा होगा, अमीनो एसिड के सेगमेंट में पढ़ा होगा बायोरेट टेस्ट। एंड बायोरेट टेस्ट को भी हम एक नाम और देते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पित्रोस्की टेस्ट। क्लियर? रसियन लग रहा है आपको। यस, इस पर भी बात करेंगे। तो ये बायोरेट टेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। ओके, अगर आपको पता हो तो पिछली क्लास में हमने अमीनो एसिड का एक सेगमेंट किया था, एक टेस्ट किया था, दैट वाज निनहाइड्रिन टेस्ट। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं मेरे बारे में जिन्हें नहीं पता, वो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। प्यार से बच्चे एस के एम सर बुलाते हैं, फाउंडर डायरेक्टर न्यूक्लियस कोटा, HOD, 20 से भी ज़्यादा साल से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे इस जर्नी में साथ में जुड़े हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिंगेज पब्लिकेशन में प्रैक्टिस बुक है, प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd एडिशन। ये आप प्रैक्टिस के लिए चाहें तो ले सकते हैं, हिंट्स एंड सोल्यूशंस भी हैं इसमें, एंड आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बायोरेट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, किस लिए ये काम आता है, आखिर इस टेस्ट से हम करते क्या हैं, ये हम जानना चाहते हैं अगर, तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक केमिकल टेस्ट है टू डिटेक्ट। क्या डिटेक्ट करता है, बहुत ध्यान से देखें, ऐसे कंपाउंड्स को जो कंटेन करते हैं एटलीस्ट कम से कम दो, क्या ये ग्रुप्स। मेरे भाई अक्सर आप देखेंगे ये लिखा जाता है, इट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट पेप्टाइड कंपाउंड्स कंटेनिंग पेप्टाइड लिंकेजेस। लेकिन जैसे देखिए, ये आपका पेप्टाइड लिंकेज है, लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है, केवल ये पेप्टाइड तक लिमिटेड नहीं है, ये एमीन्स में भी हो सकता है, एमाइड में भी हो सकता है। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। अगर ये कंपाउंड के अंदर है और कम से कम दो सेगमेंट मौजूद है तो आपको बायोरेट टेस्ट पॉजिटिव मिलने वाला है। तो अपने दिमाग में रख लें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। याद रखें, आपको ABCD में 4 फंक्शन ग्रुप्स दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है किस केस में बायोरेट टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो यहां आप ध्यान दें इस चीज को कि अगर आपका कंपाउंड, कोई जरूरी नहीं पेप्टाइड हो, कोई जरूरी नहीं पेप्टाइड हो, एमीन भी हो सकता है, एमाइड भी हो सकता है, प्राइमरी एसिड एमाइड भी हो सकता है, ये पेप्टाइड लिंकेज है, अक्सर इसके लिए बात की जाती है, बट ये ग्रुप्स भी ये टेस्ट पॉजिटिव शो कर सकते हैं। मेरे भाई याद रखेंगे पहला कि क्या आवश्यकता है इस टेस्ट की। नॉर्मली हम अमीनो एसिड में बोलते हैं पेप्टाइड जो होते हैं कंपाउंड्स, उन्हें ये उनसे ये पॉजिटिव टेस्ट शो करता है, लेकिन उसके अलावा भी ये ग्रुप्स टेस्ट शो कर सकते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ये नाम जो है बायोरेट, ये कहां से आया है, क्या ये। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, बायोरेट मिलता है यूरिया को हीट करने से। यूरिया आप जानते हैं, ये NH2, ये आपका CO, ये NH2। मेरे भाई आप 2 मोल यूरिया लीजिए, 2 मोल यूरिया स्ट्रॉन्ग हीट करिए, कंडेंसेशन रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे जनाब तो क्या मिलेगा आपको, देख लीजिए, हम बात करते हैं इसकी। अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बताइए, अमोनिया निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा उस पर बात करते हैं, आपको मिलेगा NH2, CO, NH, CO, NH2। मेरे भाई ये जो सेगमेंट मिला है और निकला क्या है, अमोनिया। आपको मैं बता दूं, इसी को बोलते हैं बायोरेट, यही है आपका बायोरेट। अब आप कहोगे अच्छा बायोरेट ये होता है, ये अपने को पता चलेगा, बट ये करता क्या है इस टेस्ट में, बहुत मजेदार चीज ये इस टेस्ट में। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा इसका रोल, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई यूज नहीं होता बायोरेट का इस टेस्ट में, नो यूज ऑफ बायोरेट इन दिस टेस्ट। लेकिन बायोरेट ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, बायोरेट भी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, इसलिए चलो उसके नाम पर हमने बोल दिया कि इसका हम बायोरेट टेस्ट बोलेंगे। सारे लोग देख लो, नो यूज ऑफ बायोरेट इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में बायोरेट देख लो, ये आपके ऊपर लिखा हुआ, ये महा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
बायुरेट रीजेंट क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं, क्या क्या चीजें साथ में होती हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। मजेदार चीज ये है कि इसमें कहीं भी बायुरेट नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी बायुरेट नहीं है। तो भैया बायुरेट भी ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, इसलिए इसके नाम पे हमने इसका नाम रख दिया बायुरेट टेस्ट। चलिए जी, आप कहोगे अच्छा ये बात तो समझ में आ गई। अब बायुरेट रीजेंट क्या होता है, आप देखें कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 हाइड्रेट, ये Cu+2, ये आपका हाइड्रेट है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ये भी साथ में लिया जाता है। आपको फील आ रही होगी किसी रीजेंट की, फैलिंग सोल्यूशन याद करिए, फैलिंग में भी हमने Cu+2 लिया था, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ये हमने लिया था। NaOH एल्केलाइन कंडीशन थी, तो मैं आपको बता दूं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट क्या करता है, ये चिलेट करता है एंड स्टेबलाइजेस Cu+2 सॉल्ट, Cu+2 सॉल्ट को स्टेबलाइज करता है। NaOH क्या करता है, ये सिस्टम जो है या सराउंडिंग जो है, मेक सराउंडिंग या एनवायरमेंट एल्केलाइन, भाई बेस है तो ये यही काम करेगा एल्केलाइन। अच्छा Ki की आवश्यकता नहीं है, कई जगह पर इसकी चर्चा नहीं होती, कई जगह पर इसकी चर्चा नहीं होती। ये क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है किस चीज का, रिडक्शन ऑफ Cu+2 इंटू Cu+1। Ki नहीं डाला जाए, ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पर Ki को यूज किया जा रहा है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पर Ki को यूज किया जा रहा है, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो बायुरेट रीजेंट क्या है, ये अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, Cu SO4.5H2 सोडियम पोटासियम टार्टरेट, याद है आपको इसे एक नाम देते थे रोचल सॉल्ट, याद है ना आपको कि भूल गए भाई साहब, रोचल सॉल्ट याद है। निनहाइड्रिन टेस्ट में भी हमने ऐसा एक नाम पढ़ा था, रोमेंस याद है आपको, पर्पल, रोमेंस पर्पल पिछले टेस्ट में, वो भी अमीनो एसिड का टेस्ट हमने पढ़ा है। तो ये हो गया आपका बायुरेट रीजेंट, पिछले उसमें पता चल गया बायुरेट क्या होता है, हमें पता है व्हाट इज बायुरेट, यहां पर हमें पता है यूरिया को हीट करके मिला है, और बायुरेट रीजेंट बायुरेट का क्या काम है सब कुछ पता चल गया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, एक चीज देखिए होता क्या है इस टेस्ट में, ये है Cu+2 कॉपर सल्फेट सॉल्ट, ये आप प्रोटीन लेकर आ रहे हैं जिसमें याद रखना वो लाइन कम से कम दो पेप्टाइड लिंकेज हो, एटलीस्ट हैविंग हैविंग टू पेप्टाइड लिंकेज, टू पेप्टाइड लिंकेजेस, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा पेप्टाइड, यानी कि ट्राई पेप्टाइड में दो पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, तो मेरे भाई ये क्या अपने काम का रहेगा इधर। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन दिस सेगमेंट वन पेप्टाइड लिंकेज इज दिस वन, वन इज दिस वन, तो जब ये इसमें हम Cu+2 एल्केलाइन कंडीशन में डालते हैं मेरे भाई, इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये देख सकते हैं पेंटा, यहां पर पेंटावेलेंट एक रिंग बन रही है, चिलेट बन रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ चिलेशन, दिख रहा है आपको, हाँ या ना, तो ये एक चिलेशन यहां पर दिख रहा है। एंड ये किस कलर का होता है, यूजुअली ये पर्पल कलर का होता है, कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, तो आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं पर्पल कलर का आना कंफर्मेशन होता है कि भाई हमारे कंपाउंड में पेप्टाइड लिंकेजेस हैं, और कम से कम दो, मतलब दो या दो से ज्यादा पेप्टाइड लिंकेजेस हैं, और मोस्ट ऑफ द केस में प्रोटीन, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास का या थोड़ा आइडिया है तो हम बोलेंगे प्रोटीन प्रेजेंट है। आप एक टेबल से भी देख सकते हैं, एल्बुमिन आपने सुना होगा, जिलेटिन, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है, तो इनिशियल कलर जो होगा वो क्लियर होगा, जिलेटिन के केस में येलो होगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें बायोरेट रीजेंट ऐड करेंगे फाइनल कलर आपको देखो पर्पल इन केस ऑफ एल्बुमिन एंड स्टिकी पर्पल इन केस ऑफ जिलेटिन दिखेगा। तो प्रोटीन क्या हो गया, प्रेजेंट है, प्रोटीन क्या हो गया, प्रेजेंट है। ग्लूकोज इज नॉट प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये सुगर है, सुगर सुन रहे हो पीछे वाले, ये सुगर है। तो मेरे भाई शुरुआत में भी क्लियर, लास्ट में भी क्लियर, नेगेटिव टेस्ट, जल क्या देगा यार, जल कोई प्रोटीन थोड़े, अननोन, अगर अननोन सॉल्यूशन में आखिरी में भी फॉगी क्लियर सॉल्यूशन रहता है, शुरू में भी वही था, तो ये टेस्ट नेगेटिव हुआ, ये मान लीजिएगा ये टेस्ट पूरी तरीके से नेगेटिव। तो ये है इसका कलर ऑब्जर्वेशन जो हमें दिखता है, यहां पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका कंटेनर, ये देखिए
इस कंटेनर में आपने क्या कर रखा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सैंपल पड़ा हुआ है, इसमें क्या पड़ा हुआ है जल्दी बताओ। सैंपल पड़ा हुआ है, सैंपल 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 सैंपल, ये है आपका सैंपल, और हमने ऐड कर दिया बायोरेट रिजेंट। अगर बायोरेट रिजेंट ऐड करने के बाद मेरे भाई ये क्लियर सोल्यूशन दिखाई देता है लाइक दिस, तो इसका मतलब नेगेटिव टेस्ट है, इसका मतलब नेगेटिव टेस्ट है। और अगर फाइनल सोल्यूशन, अगर आपका फाइनल सोल्यूशन आपको पर्पल दिखाई देता है जैसा कि यहां दिख रहा है, तो मेरे भाई ये है पॉजिटिव टेस्ट कंफर्मेशन। इन दिस केस क्या आ रहा है बताइए, पेप्टाइड लिंकेजेस मौजूद हैं, और अगर आपको आइडिया है कि हम प्रोटीन को पता कर रहे हैं, प्रोटीन कंफर्मेशन यहां पर मिलता है आपको। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बायोरेट टेस्ट। आप इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस कर लीजिएगा। आइए जरा ध्यान से देखिए इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये पॉइंट पूछा जा सकता है, मैं चाहूंगा इस पर आप ध्यान दें, ये पॉइंट बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपको अगर याद हो हमने अमीनो एसिड का एक टेस्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो उसे जाकर कर लीजिएगा, निनहाइडिन टेस्ट। निनहाइडिन टेस्ट जो था वो हाई सेंसिटिविटी टेस्ट था, डिफरेंस है दोनों टेस्ट में, ये लो सेंसिटिविटी टेस्ट है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, बहुत सारी कंडीशंस यहां पर लग रही हैं, एंड ऐसे प्रोटीन्स पर तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है जो कि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं अमोनियम सल्फेट की प्रेजेंस में, यूजिंग अमोनियम सल्फेट विच गेट्स प्रेसिपिटेटेड। ये एक तरीके से डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये पॉइंट भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये एक और टेस्ट था, और जल्दी हम मिलेंगे एक नए टेस्ट और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और पढ़ाई में व्यस्त रहें।